नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको देसी स्टाइल में पनीर दो प्याज़ा का रेसिपी बताने वाला हूं, जिसे मैं खुद से बनाया हूं। और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, उसमें मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मिर्च और 1 टेबल स्पून हल्दी डालना है, और आप 1 टेबल स्पून धनिया डालना है, और उसके लिए आपको 2 टमाटर की आवश्यकता है, 2 प्याज के, जिससे कद्दूकस करना है। ये देखिए, ये 2 टमाटर है और 2 प्याज, और ये 4 प्याज हमने ये स्लाइस में इसको निकाल लिया है, टुकड़ा काट के। इस तरह से आपको प्याज को से निकाल देना है, और इसमें नमक डालना है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, जिससे कि और अच्छे से ये टेस्ट आ जाए पनीर में। इसमें 2 चम्मच जो दही है, 2 छोटा चम्मच दही डालना है इसमें। ये देखिए, 2 चम्मच दही डाल दिया, जिससे मैरिनेशन ये मसाला जो है पनीर में अच्छे से लगे। ये देखिए, इसके बाद इसको अच्छे से, इसमें काली मिर्च भी डालना है, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है मैरिनेशन करके। ये जब तक और सब हम रेडी करेंगे बाकी सामान, तब तक इसको ढक करके छोड़ देंगे। ये देखिए मेरा ये पनीर कितना अच्छा लग रहा है, इसमें सारा मसाला इसमें कोट हो गया है। ये देखिए, चम्मच के सहायता से ये चला लेना है। ये देखिए, सारा मसाला इसमें पनीर में लग चुका है अच्छे से। ये देखिए, मेरा कद्दूकस जो 2 प्याज था वो कद्दूकस हो गया है, और ये टमाटर भी कद्दूकस हो गया है। इस तरह से आपको दोनों प्याज और टमाटर को कद्दूकस कर लेना है। ये मेरा मैरिनेशन हो रखा है तैयार, ये पनीर और ये प्याज हुआ। ये इतना चीज़ की आपको मेन फ़िलहाल आवश्यकता होती है, प्याज, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसी पेस्ट में हम 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्च आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहे या कम। फिर 2 चम्मच इसमें धनिया डालेंगे। ये देखिए, इसमें मेथी का पत्ता जो है वो डाल लेंगे, कस्तूरी मेथी का जो हाथ में थोड़ा रगड़ के उसमें डाल देंगे। ये फिर गरम मसाला डालेंगे, मसाला में गरम मसाला जो है हमने राकेश का गरम मसाला लिया है, तो आपके पास जो भी गरम मसाला है वो डाल सकते हैं। ये देखिए, सारा चीज़ मेरा रेडी हो रखा है, कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी बहुत ही अच्छा बनता है ये। ये देखिए, पनीर का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, मेरे पास 1 टेबल स्पून जीरा है, 3 या 4 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, छोटा इलायची है 1। उसके बाद 2 हरी मिर्च है, मेरी सब चीज़ रेडी है। अब मैं देखिए, तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म होने के साथ इस तेल में डालना है जो भी मैरिनेशन किया हुआ पनीर था उसको डाल देना है, और उसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जब तक वो दही है और मसाला जितना से फ्राई होगा फ्राई करना है उससे। फ्राई करने में 4 से 5 मिनट बहुत हुए, 4 से 5 मिनट फ्राई होगा ये। इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, एक साइड में ढक रख देने के बाद 1 से 2 मिनट बाद फिर दूसरे साइड ये फ्राई करेंगे। ये देखिए, पनीर फ्राई हो चुका है, एक साइड से फ्राई हो चुका है, एक साइड से फ्राई हो रहा है अभी।
ये आपको ध्यान देना है, बीच बीच में उसको पनीर को हल्के हाथों से मूव करना है, पलट देना है। ये मेरा पनीर फ्राई हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा पनीर है, उसमें सारा मसाला भी लगा हुआ है, उसे कलर से दिख रहा है। उसके बाद फिर तेल गर्म करके, जो गर्म तेल है उसमें जो भी मेरा जीरा, तेज़पत्ता और हरी मिर्च, उस सबको, दालचीनी सबको डाल दिया है। जब दालचीनी ये सब फ्राई होगा थोड़ा देर, जब तक जीरा फ्राई होगा, जीरा फ्राई होने के बाद जो प्याज का टुकड़ा मैंने बनाया था, अब हम उसको भी डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मेरा, ये देखिए, अब इसको हम ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथों से चलाएंगे। इसको तब तक ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ये कलर के ज़्यादा ये गलाना नहीं है, केवल हल्के हाथों से ये पकाना है, केवल कलर चेंज होना चाहिए, ये पूरा अच्छी तरह से पकना नहीं है इसको, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा, वो इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको पहले हम फ्राई हो गया, अब उसको निकाल लेंगे और इसी में हम जो मसाला है मेरे पास वो सारा मसाला रखेंगे इसमें। मसाला रखने के बाद इसको अच्छे से, मसाला को कम स्टीम पे पकाना है अच्छे से, 5 मिनट के लिए मसाला पकाएंगे। ये देखिए मसाला पक चुका है, तेल छोड़ रहा है साइड से। ये देखिए उसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे, जो कद्दूकस हमने प्याज किया था वो प्याज को ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज ऐड हो चुका है, प्याज फ्राई होगा, ये प्याज दो से तीन मिनट हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ टमाटर है उसको ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर ऐड हो चुका है, अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे और फ्लेम को हम नॉर्मल ही रखेंगे, हीट नहीं करेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा, इसलिए स्टीम को हम कम करके रखेंगे। ये देखिए मसाला मेरा रेडी हो रखा है। देखिए अब इस मसाले में हम नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, आप नमक डालिएगा। और नमक डालने के बाद ये मेरा मसाला रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बबल्स आ रहा है इसमें, इसका इसे पता चलता है कि मेरा मसाला रेडी हो गया है। इसको हल्के हाथों से चला देना है, ये मसाला भुनने में लग तकरीबन प्याज और टमाटर ऐड करने के साथ 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। और जो प्याज मैंने फ्राई किया था हल्का हल्का जो, वो इसमें ऐड कर देना है। अब ध्यान देना है कि काफ़ी हल्के हाथों से ये चलाना है, ज़्यादा इसको चलाना नहीं है। ये देखिए अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जिससे कि वो प्याज में भी मसाले का टेस्ट आ जाए। देखिए अच्छे से हमारा ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम पनीर जो था वो पनीर को ऐड कर देंगे। ये देखिए पनीर कैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पनीर में ऐड हो चुका है, अब पनीर डालने के बाद हल्के हाथों से चलाना है और 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है इसको। देखिए देखिए दोस्तों ये रेडी हो चुका है मेरा फ्राई होने के बाद, अब इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ये हमारा तैयार हो चुका है। आप इस तरह से अपने घरों में एक बार ज़रूर बनाइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।